प्यार का पहला नाम राधा मोहन, यहाँ मोहन तुलसी की मौत के बाद पहली बार ऑफिस का रुख कर रहे हैं। तो एक तरफ राधा जो है वो बांके बिहारी के सामने आकर पूजा पाठ कर रही है कि बस सब कुछ सुचारू रूप से हो जाए, तो दूसरी तरफ दामिनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मोहन जो है किसी तरह दफ्तर तक पहुंचे नहीं, क्योंकि दफ्तर में पहुंच गया तो पता लग जाएगा ना कि तुलसी की मौत कैसे हुई। राधा आज सवेरे सवेरे हर दिन की तरह बांके बिहारी की पूजा कर रही है। अब हर दिन तो वो पूजा करती ही है, लेकिन आज का दिन उसके लिए बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि बरसों बाद उसके मोहन जी ऑफिस जाने वाले हैं, उसी दफ्तर में जिस दफ्तर से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया था। अब तुलसी की मौत की वजह से मोहन ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब राधा के कहने पर और राधा के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद मोहन ने फैसला लिया है कि वो भी दफ्तर जाएगा, छोटे पर्दे के पतियों की तरह एकदम अच्छा आदमी बनकर सवेरे सवेरे ऑफिस जाएगा और फिर शाम को लौट आएगा। अब यहाँ पर राधा अस्पताल से आई है, उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, लेकिन क्या जब वो ऑफिस जाएगा उसके बाद भी सब अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर तो दामिनी है ना जो कुंडली मार कर बैठी है। एक तरफ उनको डर भी है कि अगर मोहन के सामने तुलसी की मौत की सच्चाई आ गई तब क्या होगा। मेरा और दामिनी का भांडा फूटने की तैयारी में लग रहा है। हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अभी राधा जो कोल्ड स्टोरेज से बाहर आ गई है, वो चाहती है कि मोहन जी कुछ भी करके ऑफिस चले जाए, और अब ये सीन चल रहा है कि हमारा मोहन बहुत सालों के बाद अब ऑफिस जाने वाला है। तो हमारी हालत तो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे सारे जो राज है वो ऑफिस में दफन है। बस कभी भी हमारे बैग हमको लेकर यहाँ से ये घर से रवाना करवा देंगे ये लोग, बस ये हालत है हमारी। अब राधा जब से अस्पताल से लौटी है बड़ी चालाक हो गई है। मोहन को पहले वो दफ्तर भेजेगी, उसके बाद वो खुद भी जाएगी, और हमें पूरा यकीन है कि एक से भले दो लोग मिलकर तो दामिनी और उसकी माँ का पर्दाफाश करने के लिए काफी ही है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।